गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ SBPS। इन दिस वीडियो फॉर 11th क्लास इन इंग्लिश आई एम टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो आपके सिलेबस में है। टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर में सिर्फ दो बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की ऑलरेडी गा गी और गे लगे होते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस देखना, इसमें पहले सब्जेक्ट, ठीक है, आई सर टीच इसके बाद बाई आता है प्लस सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो दिस इज वर्ब डैम, डैम का सब्जेक्ट रूप लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट के दे हो जाएगा, दे के साथ बिल लगाएंगे, दे बिल बी होगा। फिर थर्ड फॉर्म टीच की, थर्ड फॉर्म इज टॉच, इसके बाद बाई और आई का बी टू बी। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। आपका रूल होगा, आपका सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल साइड प्लस नॉट प्लस बी में प्लस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा आई साइड नो टीच दैम। इसमें भी यू विल राइट नेगेटिव का नोट यहाँ लगाओगे, तो रूल्स ऑब्जेक्ट विल साइड नॉट बी, तो यहाँ नोट यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सब्जेक्ट जगह जो यहाँ जिसका स्थान चेंज कर देना। जैसे इंटरोगेटिव क्या होता है, वी चेंज द प्लेसेज ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। जहाँ हेल्पिंग लिखी होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सर पहले आ जाएगा इसका, सर आई और फिर वैसे ही लगा जाएगा टीच देन टुडे, और इसी प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट में बिल पहले आ जाएगा, बिल दे बी टॉच बाय। इस तरीके से हो जाएंगे, और इसके बाद दूसरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो बनती नहीं है, आपकी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी में क्या होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब रूल होगा, एक्टिव रूल में सिंपल का सब्जेक्ट वर्ब का बिल साइल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर कोई सेंटेंस लिखता हूं सी बिल हैव संग सॉन्ग, और आई सैड हैड डन इट। पैसिव रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सैड प्लस हैड बीन, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई सब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसका देखिए पैसे बनाएंगे, का ऑब्जेक्ट गिवन दिस इज बर्थ आ सॉन्ग विल बी योर ऑब्जेक्ट, तो ये सॉन्ग एक सॉन्ग साथ बिल आएगा, बिल हैव बीन का हैव बीन लिख दो, ए सॉन्ग विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, बाई होगा किसके द्वारा, बाई सी का। नेगेटिव इंटरोगेटिव एज अ होमवर्क,
यहाँ नोट लगाओगे इसमें यहाँ नोट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप कर लोगे, सीनियर स्टूडेंट्स हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।